सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप वीडियो पे 3 लेयर वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी बिना आसानी से। और वीडियो को एडिट करके आप रील्स पे अपलोड कीजिए, रील्स आपका वायरल 110% होगा। ये आप वीडियो का अपना एडिट कर सकते हो। मान लीजिए आप आउटडोर पे शूट करके ये वीडियो आप अपना एडिट कर सकते हो, या किसी का स्टोरी मतलब कि स्टेटस आप देख सकते हैं। अभी मतलब कि ट्रेंड पे चल रहा होगा कि बहुत सारे रील्स पे ये 3 लेयर वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, और उस पर भर भर के लाइक आ रहा है, और लाइक के साथ साथ आपके अकाउंट पे फॉलोअर भी आ रहा है। तो आप भी ये वाला 3 लेयर वाला वीडियो अब मतलब कि बनाना सीख जाइए, और बना के या अपना या स्टोरी टाइप का वीडियो मतलब कि रील्स पे अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं अपने ट्रिक के तरफ, मतलब कि ये वीडियो कैसे मतलब कि 3 लेयर वीडियो कैसे एडिट होने वाला है ये जानते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन तरफ और देखते हैं ये वीडियो कैसे एडिट होता है। सो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन तरफ, और मोबाइल स्क्रीन तरफ आने के बाद आपको बतलाते हैं कि ये वाला 3 लेयर वाला वीडियो आराम से कैसे एडिट होता है। तो सिंपली आपको एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना अपने YouTube से, या ना तो आप पर्सनली वीडियो आप अपना बना रहे हो तो आपको एक क्लिप आपको पहले शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको एक पूरा क्लिप शूट कर लेना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आपको पूरा वीडियो का क्लिप शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको सिंपली जाना अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन पे। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करते के साथ आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, उसको टैप करके 9:16 पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना, और ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको पूरा बढ़ा देना। जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतना ये बैकग्राउंड ब्लैक मतलब कि बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट होने वाला है। तो आपको अगर 15 सेकंड का वीडियो बनाना है तो आपको ये वाला लेयर 15 सेकंड सेलेक्ट करना है। अगर आपको बनाना है 30 सेकंड का वीडियो तो आपको ये वाला लेयर 30 सेकंड का सेलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपके पास आपको जाना है मीडिया पर, और मीडिया पर जाने के बाद आपको वही वाला वीडियो जो आपको एडिट करना है वो सिंपली सेलेक्ट कर देना है ढूंढ के। तो ये वाला सिंपली मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर दिया हूँ। अगर आपको कुछ समय मतलब कि वीडियो को साइज को छोटा करना हो या बड़ा करना हो, अगर वीडियो को कहीं भी सेट ना हो तो आप सिंपली इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक क्लिप यहाँ पर लगा दिया हूँ, और फिर इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर कट करके फिर इसको इसी को मतलब कि इसको कॉपी कर लूँगा एक क्लिप को उधर से, और मतलब कि कॉपी करके उसको फिर से इसके ऊपर लगा देने वाला हूँ। तो आप सिंपली दो टाइप का कर सकते हो, एक मीडिया पर जाके फिर से वीडियो को सेलेक्ट करके फिर से ले सकते हो, या नहीं तो शॉर्टकट मार के यहीं से कॉपी कर सकते हो वीडियो को। तो सिंपली मैं यहाँ पर दो क्लिप लगा दिया हूँ। दो क्लिप लगाने के बाद फिर से मैं ऐसा ही थर्ड क्लिप लगाने वाला। तो सो दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और आपको पता चल जाएगा कि ये 3 लेयर वाला वीडियो एडिटिंग कैसे होने वाला है। तो आपको सिंपली फिर जाना है अपने मीडिया पे। मीडिया पे जाने आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्रॉप कर रहा हूँ वाला वॉलपेपर को, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि वो स्क्रीन जो सेकंड स्क्रीन मैंने लगाया था वो वाला अच्छा से आ नहीं रहा था, बैठ नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैं इस मतलब कि वॉलपेपर को मतलब कि ये वीडियो को क्रॉप करने वाला हूँ, उसको पूरा फुल स्क्रीन करने वाला हूँ, क्रॉप कर दूंगा तो फिर वो मतलब कि अच्छा से 3 लेयर का साइज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को क्रॉप कर दिया हूँ। क्रॉप करके मैं इसे फिर से ड्रैग करके फिर से मिडिल में सेट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मिडिल में सेलेक्ट करके वीडियो लगाना है, कि इससे आपको लगेगा कि आपको ऊपर और नीचे आपको साइज परफेक्ट मिलने वाला। तो मिडिल में ये वाला वीडियो को मैंने लगा दिया, और मिडिल में लगाने के बाद फिर से मैं दूसरा वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। इसको पहले ट्रिम टू राइट करके इसको डिलीट कर देता हूँ पिछले वाला, फिर मीडियम जाके वही वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था। यहाँ से मैं सिंपली सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं इसे क्रॉप कर दूंगा जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला क्लिप को किया था। इसे मैं फिर से क्रॉप कर देने वाला हूँ। क्रॉप करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सिंपली क्रॉप करके ऊपर टिक पे क्लिक कर देना, और टिक पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसे भी इसके ऊपर लगा देना। आपको या ये वाला क्लिप आपको अगर नीचे लगाना तो नीचे लगा सकते हैं, इसको ऊपर लगाना तो ऊपर लगा सकते हैं। आपको ये वाला मतलब कि जो वीडियो आप देख रहे हो उसको आपको क्लिप जहाँ से ये वाला जो आप फर्स्ट क्लिप लगाए हो उसके बाद से जो क्लिप स्टार्ट होने वाला है आप वहाँ से कहीं भी ढूंढ के कट करके उस क्लिप को लगा सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये वाला वीडियो मतलब कि जो फर्स्ट वाला क्लिप था उसको काट के सेकंड वाला क्लिप स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्लिप को काट के फिर मैं इसको ड्रैग करके बाएं साइड ले आया, और बाएं साइड ले आके इसका क्लिप का वीडियो का दूसरा मूवमेंट ले आया। फिर ये वीडियो को ला के वो वाला लास्ट वाला क्लिप काट दिया, और ये वाला लास्ट वाला क्लिप को क्लिक करके मैंने इसे
बड़ा करके इसे ऊपर लगा दिया। जैसे इसी तरह वैसे ही आपको फिर से मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड लेयर वीडियो सेलेक्ट करना है। सेकंड लेयर वीडियो सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको जैसे मैंने ये दोनों लेयर का वीडियो एडिट किया है वैसे ही आपको तीसरा वाला फिर से एडिट करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वीडियो कैसे एडिट हो रहा है और कैसे क्या रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर से मैं मीडिया पे जाता हूँ, मीडिया पे जाने के बाद फिर से मैं तीसरे वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप जो वीडियो लगा रहे हो उसका साउंड कम कर दीजिएगा, सिलेक्ट करके साउंड कम कर दीजिएगा। फिर से मैं मीडिया पे जाता हूँ, मीडिया पे जाने के बाद फिर से मैं वाला वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। और वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने वो पहले वाला दो वीडियो को साथ किया, इसके साथ भी वही करना है। इसको आराम से क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली फिर से ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद इसको नीचे में लगा देना। और नीचे में इस वीडियो का स्टार्टिंग और लास्ट कैसे होगा तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये दोनों क्लिप आपको एडिट करते समय। तो इसको भी आपको उसी तरह करना है, आपको नीचे में ड्रैग करके लगा देना है, और इस क्लिप को भी काट के सिंपली आपको एडिट कर देना है। तो सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मतलब कि क्लिप थोड़ा इधर उधर हो गया था, फिर से मैं उसे ऊपर ले गया और ऊपर ले जाके इसको फिर से मैं सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद ये सेट हो रहा है, उसके बाद सेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वो लास्ट वाला ड्रैग करके इसको कट पर क्लिक कर देना है, कट टू राइट कर देना है, राइट क्लिक कर करके इसे ऊपर चल गया। ऊपर जाने के बाद इसको फिर से इधर ले आना, इधर ले आने के बाद ये वाला क्लिप तीनों अलग अलग क्लिप हो जाएगा। क्लिप अलग अलग होने के बाद आपको सिंपली लास्ट में जाना, लास्ट में आपको एक कट जरूर लगाना है, क्योंकि एक साथ सारा वीडियो हो जाएगा एडिट, मतलब कि एक साथ सारा वीडियो स्टार्ट होगा और एक साथ सारा वीडियो एंड होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैं एक कट लगाने वाला हूँ कि सबके साथ एक ही बार में कट लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने सबके वीडियो पे क्लिप पे एक एक कट लगा दिया। कट लगाने से क्या होने वाला है कि एक लास्ट में जो वीडियो का एंड होने वाला है वो एक साथ ही मतलब कि एंड होने होगा। उसके बाद मैं फिर से ये वाला लेयर को बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो का क्लिप मेरे को और ज़्यादा लेना है, इसलिए मैं लेयर को बढ़ा के ये वीडियो का क्लिप बढ़ा लेता हूँ। और बढ़ा के मैं इसे 15 सेकंड कट कर दूंगा, और कट करके यही वाला ड्रैग करके वो वाला क्लिप फिर से मैं फर्स्ट में ऐड कर दूंगा, जिससे कि मेरा वीडियो का क्लिप डिफरेंट हो जाएगा, और डिफरेंट के साथ साथ मेरे को पूरा वीडियो का क्लिप मिल जाएगा। उसके बाद मैं सिंपली यहां पर 15 सेकंड पर सेलेक्ट कर लेता हूं। 15 सेकंड पर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर टैप करता हूं, टैप करने के बाद मैं फिर से इसे कट करता हूं, कट करने के बाद इसे ड्रैग करके मैं फर्स्ट में ले जाता हूं। फर्स्ट में ले जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर मेरा वीडियो एडिट हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वीडियो सिंपली बहुत अच्छा से एडिट हो गया। इसे मैं सेट कर लेता हूँ, आपको भी अच्छा से सेट कर लेना है कि आपको बैकग्राउंड और जो ब्लैक वाला लेयर लगाए हो वो आपको नहीं दिखे। तो सिंपली मैं अच्छा से इसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद ये वाला मेरा वीडियो हो गया है रेडी। तो इसे मैं अब करने वाला हूँ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको अच्छा से इसे एडिट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एकदम डिफरेंटली अब एडिट हो गया ये वाला वीडियो। तो आपको सिंपली एडिट करके एक बार वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना, जिससे कि आपको लगे कि आपका वीडियो अच्छा से एडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको देख के फिर आपको 15 सेकंड में एक कट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वीडियो एंड हो। तो यहाँ पर मैं 15 सेकंड में चला जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15 सेकंड में आ गया हूँ। 15 सेकंड में आने के बाद सारा लेयर को और सारा वीडियो के क्लिप को मैं सिंपली कट कर दूंगा। कट सेलेक्ट करना है, कट पे क्लिक करना है, और वहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। सिंपली सेलेक्ट करना है, कट पे क्लिक करना है, वहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। वैसे ही मैं सारा क्लिप को ट्रिम टू राइट करके कट कर दिया हूँ। और कट करने के बाद आपका ये वाला वीडियो हो गया रेडी। तो इसमें आप सिंपली अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लगा सकते हो, जिससे कि आपका अगर वीडियो वायरल होता है, आपका वीडियो का अगर कोई स्टोरी लगाता है या कोई स्टेटस लगाता है, तो आप अपना यूज़र नेम अगर आप वीडियो पर मेंशन करते हो तो अगला आदमी आपके पास आएगा, अगला यूज़र आपके पास आएगा, आपका एट द रेट यूजर नेम सर्च करके इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट पे जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि और वीडियो उसको अगर प्रोवाइड मतलब कि अगर उसे चाहिए होगा तो आपके अकाउंट में जरूर से जरूर पहुंचेगा। इसलिए कि ये बेनिफिट है, अगर आप ये वीडियो एडिट कर रहे हो तो आप वहां पर कट करके अपना नाम लगा सकते हो। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और एक्सपोर्ट करके वीडियो को मजा लीजिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, कहे कि आपको अच्छा से मतलब कि अच्छा से समझाना था कि ये वीडियो कैसे एडिट होता है,
वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो आप हमको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये वीडियो कैसे मेक किया जाता है और कैसे बना के अपलोड करना है इसे। तो अभी तक आप यहाँ तक देख रहे हो, एंड तक ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो इस वीडियो पे, तब जाके लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर।